Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2, linear equation in one variable of class 8, exercise 2.2 of NCERT book. Question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of number of these notes is 2:3:5. Total cash money with Lakshmi is rupees 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? Lakshmi जो है वो बैंक में कैशियर है, और बैंक में अगर कैशियर है तो बैंक में डिफरेंट टाइप्स के नोट्स होते हैं, और उसके पास करेंसी नोट्स में कौन कौन से नोट्स हैं? 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं. The ratio of number of these notes is, और इन notes जो ये notes हैं उनकी ratio क्या है? 2:3:5. That means 100 rupees के notes जो हैं वो 50 जो rupees के notes हैं उनकी ratio 3 है, और जो 10 rupees के notes हैं उनकी ratio 5 है. That means इन तीनों notes के ratio जो है that is 2:3:5. टोटल कैश मनी विद लक्ष्मी इज़ 4 लैक्स. अब ये क्या है कि टोटल कैश मनी का मतलब, अगर उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, और उन सभी नोट्स को अगर वो काउंट करे तो उसके पास टोटल मनी कितना है? 4 लैक्स. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? तो उसके पास हर डिनोमिनेशन का मतलब 100 वाले, 50 वाले और 10 वाले, कितने कितने नोट्स हैं? 100 के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर हमें ये स्टेटमेंट समझ में आ गई है अच्छे से, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? इसमें हमें फिर से वही चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें कोई चीज़ पोज करनी है और स्टेटमेंट में वो रेशो की फॉर्म में है, तो हम उसको रेशो की फॉर्म में सपोज करते हैं, और इस तरह से सपोज करते हैं कि अगर हम उसकी रेशो निकालें तो वही रेशो देनी चाहिए, उस हमें मिलनी चाहिए उस नंबर से जो हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर. तो यहाँ पर 2 जो है रिलेटेड टू 100 है, 3 इज़ रिलेटेड टू 50 एंड 5 इज़ रिलेटेड टू 10. तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, मतलब कि 100 रुपीज़ नोट्स जो है वो उसकी काउंटिंग कितनी है, कितने नोट्स हैं वो. अब रेशो है तो हम उसको 2 एक्सपोज कर लेते हैं, क्योंकि पहली जो है रेशो वो 100 से रिलेटेड है. उसके बाद फिर नंबर ऑफ रुपीज़ नेक्स्ट है 50 नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स की कितनी काउंटिंग है, दैट इज़ 3x. ये हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं 3x, क्यों? क्योंकि रेशियो दी हुई है. फिर तीसरे हैं 10 रुपीज़ के नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, जो 10 रुपीज़ के नोट्स हैं उनकी क्या काउंटिंग है, हम मान रहे हैं ये 5x. और हमें कैसे पता चला 2x, 3x, 5x? क्योंकि हमें रेशियो दी हुई है और x हमने साथ में इसलिए लगाया क्योंकि ये कहा गया कि उनकी रेशो इतनी है. तो दैट मीन्स अगर हम इन तीनों की रेशो निकालें तो हमें 2:3:5 मिलेगी, एक्स 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 कट जाएगा. तो ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ नोट्स. उसके बाद द टोटल कैश मनी विद लक्ष्मी इज़ 4 लैक्स. अब बात आती है टोटल कैश मनी की. हमें ये गिवन है कि टोटल कैश मनी इतना है, लेकिन हमें तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स पता है, हमें ये तो नहीं पता कि इनमें जो टोटल मनी है वो कितना कितना है. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं तो उसमें मनी कितना होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह से 3x नोट्स 50 रुपीज़ के हैं तो उसमें मनी कितना होगा, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x को, और इसी तरह से 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि मान लो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ के 20 नोट्स हैं तो मेरे पास मनी कितना होगा, तो मैं क्या करूँगी, 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास मनी आ जाएगा कितना है. तो इसी तरह से अगर 20 के बजाय 2x नोट्स हैं मेरे पास 100 रुपीज़ के, तो उसको उसमें कितना मनी है ये कैलकुलेट करने के लिए मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो यहाँ पर लिख लेते हैं मनी. हम ये मनी क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें हमें मनी गिवन है कि इनका जो मनी है उसको टोटल करके इतना आता है. तो पहले हम मनी निकालेंगे
और फिर उसको प्लस करके इक्वेशन बनाएंगे और इक्वल टू हम क्या रखेंगे 4 लैक्स. सो मनी इन 100 रुपीज़ नोट्स कितना होगा 2x, उसके अंदर नोट्स हैं और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 200x. इसी तरह से मनी इन रुपीज, नेक्स्ट 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स दैट इज 3x मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया 150x. उसके बाद मनी इन रुपीज 10 नोट्स, जो 10 रुपीज़ के नोट्स हैं उसमें कितना मनी है दैट इज अब 10 वाले की रेशो क्या है 5x, सो 5x मल्टीप्लाई 10 दैट इज 50x. अब हमें ये मनी मिल गया कि 100 रुपीज़ में कितना मनी है, 100 रुपीज़ मतलब कि 100 रुपीज़ के हमें नहीं पता कितने नोट्स हैं, 2x नोट्स हैं तो हमें अभी नहीं पता कंफर्म कि कितने नोट्स हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 100 रुपीज़ नोट्स में कितना मनी है 200x, 50 रुपीज़ नोट्स में कितना मनी है 150x और 10 रुपीज़ नोट्स में कितना मनी है 50x. तो ये सारा मनी अगर हम प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल है 4 लैक्स की. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये करेंगे 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लैक्स. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. इन ये जो हमने सपोज किया था इनकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी कि कितने नोट्स हैं, क्योंकि हमें नोट्स निकालने हैं वो हम बाद में यूज़ करेंगे और अभी हमें क्या कैलकुलेट करना था कि इनके अंदर मनी कितना है. तो अब मनी कितना है ये क्यों किया, क्योंकि हमें टोटल मनी जो है वो 4 लैक्स दिया हुआ है. सो 200 एंड 150, 350 एंड प्लस 50 दैट इज़ 400x, क्योंकि सबके साथ x है, दैट इज़ इक्वल टू 4 लैक्स. सो दिस इज़ 4 लैक्स. तो x इज़ इक्वल टू 400, इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 लैक्स अपॉन 400. तो इससे ये कैंसिल हो गया और 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000. सो x इज इक्वल टू 1000. अब ये जो वैल्यू आई है ये x की आई है. हम यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं कर सकते बिकॉज हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ईच नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन. तो ये x की वैल्यू आई है. अब अगर हम नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स निकालना चाहते हैं तो वो 2x है, तो दैट मीन्स 2 को जितनी x की वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट्स आ जाएंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 2x, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 2000, मतलब कि 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 2000. फिर नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स दैट इज कितना है 3x. सो 3x दैट मीन्स x की वैल्यू 1000 है, 3 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज 3000. 3000 नोट्स जो हैं वो 50 रुपीज़ के हैं. और नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, जो 10 रुपीज़ के नोट्स हैं वो कितने थे हमारे पास 5x. सो दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई 1000. 1000 से हम मल्टीप्लाई क्यों करते जा रहे हैं बार बार, क्योंकि x है और x की वैल्यू हमारे को कितनी मिली है यहाँ से 1000. सो दिस इज़ 5000. तो इसका मतलब 100 रुपीज़ के नोट्स 2000, 50 रुपीज़ के नोट्स 3000 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स